वहीं कल डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे राजेंद्र शुक्ला। उनसे खास बातचीत की न्यूज 18 ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस बातचीत में, आइए सुनते हैं। सीएम भी बनाएंगे, राजेंद्र शुक्ला जी को भी डिप्टी सीएम बनाएगा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर सर किस तरह की उम्मीद थी आप लोगों को, सर किस तरह की उम्मीद थी कि क्या उम्मीद थी कि भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बन चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने डॉक्टर मोहन यादव जी का नेता के रूप में नाम प्रस्तावित किया है। सभी वरिष्ठ लोगों ने समर्थन किया है। अब वो बहुत जल्दी शपथ लेंगे और कामकाज आगे बढ़ेगा। आपको भी डिप्टी सीएम का पद दिया गया है, देखा चौथी सरकार में आखिरी समय में आपको मंत्री बनाया गया था, कितनी उम्मीदें आपको भी थी? अब कल शपथ ग्रहण हो जाए तब सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी और फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। विकास, प्रदेश के विकास को लेकर क्या सोच? प्रदेश के विकास का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है वही सही दिशा है, वही सरकार का नैतिक दायित्व है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है ये भाजपा की सरकार ने प्रदेश और देश की जनता को बताने का काम किया है। हम इसी सुशासन को आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जिला बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। तो ये राजेंद्र शुक्ल जी इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मध्य प्रदेश को बेहतर मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास जो है वो ये सरकार करेगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सैलेंस न्यूज 18 भोपाल। तो वहीं सीधी से बीजेपी विधायक रीति पाठक से भी खास बातचीत की न्यूज 18 की टीम ने, आइए सुनते हैं। नव निर्वाचित विधायक रीति पाठक यहां पर मौजूद है, हम बात करते हैं। आपको नए सीएम चुनके बधाई। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, मध्य प्रदेश को बधाई, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद, नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद, हमारे सभी वरिष्ठों का धन्यवाद, वरिष्ठ संगठक का धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद कि सरल सहज व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हम सभी को सौंपा है और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता। इस बार लाडली बहना ने भरपूर वोट दिया, इस बार मंत्रिमंडल में भी एक चर्चा है कि इस बार महिला बहनों ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, हमेशा, सिर्फ इस बार नहीं, इस बार तो लाडली बहना के रूप में वो हमारे साथ आई है। लेकिन आपने देखा कि 27 साल से पुराना लंबित हमारा विधेयक महिला सशक्तिकरण जब हमारे लोकसभा में पास हुआ तो उसके बाद एक अलग उत्साह बनकर हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहनों ने अपने उत्साह को दिखाया और उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे में आत्मविश्वास दुगनी क्षमता में घुट कर आ गया है। इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से लेकर लाडली बहना हो या एक नई आत्मविश्वास से भरपूर हमारी लवरेज हमारी बहने हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी। इस बार मंत्रिमंडल के लिए आपका भी नाम सबसे आगे है? मेरा नाम कार्यकर्ता के रूप में सबसे आगे है और आगे रहे और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी तो वो अलग बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी निर्णय है, हर जिम्मेदारी के साथ हम सब चल रहे हैं। देखिए आप विधायक रीति पाठक कह रही है कि पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देगी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कार्यकर्ता की है। कैमरामैन खिलान के साथ सैलेंस न्यूज 18 भोपाल। और अब रुक कर लेते हैं कुछ दूसरी खबरों का। खंडवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां एक मासूम के साथ गलत हरकत करते हुए कैमरे में एक शख्स रिकॉर्ड हुआ है, बच्ची के साथ गंदी हरकत की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खंडवा के मोघट थाना क्षेत्र का मामला है, आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। तो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई है इस युवक की करतूत, इसने बच्ची के साथ गलत हरकत की है और अब पुलिस इस बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले इस शख्स की तलाश कर रही है। तो खंडवा से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पुलिस को तलाश है उस युवक की जिसने एक मासूम के साथ गंदी हरकत की है और उसका सबूत भी वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। और अब खबर मुरैना से जहां सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक महिला के गले पर उसके देवर ने फावड़े से हमला कर दिया और खुद ही थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला की सांसें चल रही थी, जिसके बाद आनंद फानंद में महिला को अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां डॉक्टरों ने महिला को बाद में मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक देवर ने अवैध संबंधों में अपनी भाभी की हत्या की है।
तो वारदात के बाद खुद अम्बा थाना अंतर्गत एक घटना हुई है। एक सगे देवर के द्वारा अपनी भाभी को मेरी जानकारी में था कि गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आप लोग बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। मूल रूप से वो घटनाक्रम की बजाय शायद अवैध संबंध जो प्रथम दृष्टया आ रहा है कि अनैतिक संबंध के कारण ये घटना हुई है। वहीं प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना से मामा और भाई के रूप में लोकप्रिय हुए शिवराज सिंह चौहान को फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठाए जाने की मांग जोरों पर है। ये मांग शिवराज के समर्थक या विधायक नहीं बल्कि प्रदेश की लाडली बहनें कर रही हैं। दमोह से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां बीजेपी आलाकमान से फिर से शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की गई है। देखिए कल मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बावजूद भी इस तरह की मांग उठ रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा भैया शिवराज वापस नहीं आएगा तो हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे, खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे, अपना घर परिवार भी छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग चाहते कि हमारा सीएम मुख्यमंत्री सिर्फ शिवराज सिंह चौहान होना चाहिए क्योंकि उनके पीछे हमारे परिवार में हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारा मान सम्मान बढ़ा है। हम लोग शिवराज सिंह भैया के लिए दोबारा बुलाना चाहते हैं, उनके लिए उन्हीं को वोट दी थी और उन्हीं के लिए हटा दिया है। हम लोग के लिए बहुत दुख हुआ है, इसलिए हम लोग ने सुंदरकांड या हमारे भैया के लिए बोला, उन्हीं को वोट दी है। हम लोग ने किसी को नहीं, हम उन्हीं के प्रति वोट दी है। उन्हीं को पद पे रहना है, पद पे से हटाना नहीं चाहिए क्योंकि हम उन्होंने लाडली योजना निकाली है, सब सुविधा दी है, इसलिए हम लोग उनको पद पे से नहीं हटा सकते। पद पे से क्यों हटाया गया है, उन्हीं को पद पे वापस ले आएँ।